हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, मैथ्स में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे, कुछ होमवर्क भी सेंड किया था मैंने आपको, बताया भी था आपको कॉपी में क्या करना है। कॉपी के लिए मैंने आपको ये होमवर्क सेंड किया था, ये सभी बच्चों को होमवर्क करना है। ओके, नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग पार्ट 2, एक्सरसाइज नंबर 4.2। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 कर रहे हैं। कैसे करना है, ये नंबर है और ये नंबर है। आप क्या करेंगे, रफ में, रफ कॉपी के अंदर आपको इनको कॉलम में पहले अरेंज करना है। फर्स्ट क्या करेंगे, 4.2 में आपको बता रही हूँ आज, ये देखिए 4.2 कैसे करना है। आपका जो क्वेश्चन गिवन है वो दे रखा है आपको ऐसे स्ट्रेट, ए वाला कर रहे हैं 2, 3, 2, 5 प्लस 6, 9, 8, 7 गिवन है ना। अपने को क्या करना है, पहले 2, 3, 2, 5, 6, 9, 8, 7 ये काम आपको रफ कॉपी में करना है। 1s, 10s, 100 and 1000। ओके, अब इसको ऐड करो, 7 and 5, 12, 1 कैरी, 8 and 2, 10 और 1, 11, 1 कैरी, 9 and 3 होता है 12, 12 और 1, 13, फिर 1 कैरी, 6, 2 plus 8, 8 plus 1, 9। तो ये 9312, तो आपको क्या करना है, जो 9312 आपका एडिशन आया है वो आपको इस जगह लिखना है 9312। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करने हैं। एक और बताती हूँ मैं आपको, ए मैंने बताया, अब ऐसा करती हूँ मैं एफ बता देती हूँ आपको। ठीक है, एफ में देखिए 7149 प्लस 1775। अभी क्या करेंगे, 7149 and 1775 इसको हम ऐड करेंगे, 9 and 5, 14, 4, 1 कैरी, 7 and 4, 11 और 1, 12, 2, 1 कैरी, 7, 1, 8, 1, 9 और 7 और 1, 8। ओके, तो 8924, 8924 हम कहाँ लिखेंगे, 8924 इस तरीके से। तो ये सारे जो 4.2 वाले क्वेश्चन हैं ये भी आपको कॉपी के अंदर करने, मैंने यह लिख दिया है इन कॉपी। ठीक है, ये सब आपको कॉपी के अंदर करने हैं और इस तरीके से करने हैं, रफ साइड में रफ डालते हुए इस तरीके से करना है। ओके, तो ये सारे ही करने हैं आपको, ए टू एच। अब हमारा आ जाता है एट द फॉलोइंग, जो हमको बुक के अंदर ही करना है। ठीक है, अब मैं एक आपको पीछे के वाला बताती हूँ, के वाला देखेंगे के। ठीक है, के वाला कैसे करेंगे, वन के वाला करना है हमको, तो 1, 4, 5 plus 2, 9, 1 plus 4, 0, 0, 9। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर बड़ा नंबर लिख देंगे 4, 0, 0, 9, उसके नीचे नेक्स्ट नंबर लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखो, ये 1s, 10s, 100 और ये 1000, 1s, 10s, 100, 1000 है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 4 डिजिट है तो हमने 4 लिख दिया, लेकिन ये वाला नंबर 3 डिजिट का है, तो ये 1s है, ये 10s है और ये 100 है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2, 9, 1। ये वाला नंबर भी क्या है, 1s है, 10s है और 100 है, तो 1, 4, 5। अब हम इसको ऐड करेंगे, 9 plus 1, 10 plus 5, 15, 1 कैरी है ना, 9 plus 4, 13 और 1, 14, 4, 1 अगेन कैरी, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 और ये लास्ट में आ गया हमारा 4, 4, 4, 5, आंसर इज 4, 4, 5। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा 4, 4, 4, 5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको सम इस तरीके से करना है। अब सारे आपको समझ में आ गए, आपको कहाँ तक करना है, एल तक करने हैं सारे अपनी कॉपी के अंदर, ये भी आपको कॉपी के अंदर करना है। अब वो बात आती है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमें बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखेंगे, इसको ऐड करना है हमको, ऐड सिंपल ही है ना। ऐड करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, 8 plus 5 काउंट करेंगे, 8 और 5 कितना होता है, 13, 13 का 3, 1 कैरी, 7 and 4, 11, 11
प्लस वन 12, 2, 1 कैरी, 8 and 4 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी, 7, 1 8 और 1 9 दिस इज द आंसर। अब इसमें से एक और कौन सा करें, ये वाला कर लेते हैं, एफ वाला। 0 ठीक है, 9 and 8 कितना होता है 17, 9 and 8 17, 7, 1 कैरी, 0, 0, 0 और 1 हमारा है तो 1 और 8 और 1 9, 9, 1, 7, 0 इज द आंसर। ठीक है, एक और कर लेते हैं हम कोई सा भी, चलिए अपन के वाला कर लेते हैं। 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 plus 8 10, 10 plus 6 16, 16 और 1 17, 17 का 7 1 अगेन कैरी, 5 plus 8, 5 plus 8 कितना होता है 13 plus 1 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 to 5 6 and 7, सो 7 4 7 0 इज द आंसर। इस तरीके से ये वाले सारे सम आपको अपनी बुक में ही करने हैं। अब वापस आ जाते हैं अपन, अरेंज द फॉलोइंग इन अ वर्टिकल कॉलम एंड देन ऐड। अब ये आपको जो मैंने इस टाइप के सम आपको उस समय कहा था कि रफ कॉपी के अंदर करने, अब हमें ये वाला है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये किस तरीके से करना है। क्वेश्चन है, अरेंज आपकी बुक में देखिए साथ के साथ, अरेंज द फॉलोइंग इन वर्टिकल कॉलम एंड देन ऐड। क्वेश्चन नंबर ए, 1080 plus 5058, ठीक है। अब से हम कॉलम में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, 1080 5058 10s 100 and 1000, ठीक है। प्लस करेंगे, करो 8 plus 0 8 8 and 5 13, 1 कैरी तो 1000 होता है तो 1 जो कैरी वाला है वो आ जाएगा, 5 plus 1 6, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो ये भी एडिशन, चलिए ए मैंने करा दिया, एक मैं एफ वाला करा देती हूँ आपसे। बाकी के आपको सब करने हैं कॉपी में, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं सारे एडिशन कराऊंगी तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, है ना। 1894 plus 7107, कैसे करेंगे, 1894 7107, ओके, ये हमने लगाया प्लस, 1s 10s 100 and 1000, 7 plus 4 11, ठीक है, 7 4 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी, 9 plus 1 10, 10 का 0 1 कैरी, 8 plus 9 और 1 10, वापस 10 के लिए 0 और 1 कैरी, 7 plus 1 8 plus 1 9, 9001 इज द आंसर। ठीक है, तो ये वाले एडिशन भी आपको इस तरीके से, जैसे करते हैं वैसे एडिशन उसी तरीके से करने हैं, ये भी, ये सारे करने हैं आपको, कर लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप आज पूछ सकते हैं मेरे से, फिलिंग द मिसिंग लेटर्स डिजिट्स, मिसिंग को कैसे करना है, वेरी सिंपल है। ये देखो आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए देख रहे हैं, ये नंबर है कोई और ये ऐड कर रखा है उसमें, ये हमारा आंसर है। हमें क्या करना है, जब मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने तो इस नंबर में से इसको माइनस कर, है एडिशन है, लेकिन जब हमें ऊपर वाला नंबर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर लेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2। अब चेक करने के लिए देखो, 2 plus 3 इज इक्वल टू 5 होता है, करेक्ट, आपने सही किया है, 6 plus 1 7 है। अब वापस आ गया, यहाँ पर 5 है और यहाँ 9 है, हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आता है 4, ये हमने लिख दिया 4। अब चेक करो इसको, 4 plus 5 9 होता है, बिल्कुल 9 है, तो ये करेक्ट हो गया हमारा। अब हमारा 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 में से इस नंबर को माइनस करेंगे, 2 को 4 में से 2 माइनस करो तो क्या आएगा 2। अब चेक करो, 2 plus 2 इज इक्वल टू 4, तो सही है हमारा। ठीक है, अब और देखो,
एक और देखते हैं, ये वाला करते हैं, सी वाला करते हैं। 1 + 7 इज इक्वल टू 8, करेक्ट है। अब है हमारा ये 5 है और यहाँ पर नंबर 0 है, इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ 9 है, हम क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। 9 में से 5 माइनस करते हैं तो 4 आता है। अब चेक करो, 5 + 4 इज इक्वल टू 9, नीचे 9 है क्या, है, बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ है 3, यहाँ है 7 और ये नंबर फाइंड आउट करना है। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आता है, 4, यहाँ हमने लिख दिया 4। अब 4 और 3 7 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इट मीन्स इट इज़ करेक्ट। 7 है और यहाँ 2 है, 7 में से 2 को माइनस करो, करो 7 में से 2 को माइनस तो क्या आएगा, 5। अब चेक करो, 5 + 2 7 होता है, 7 है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट। माइनस करना है, जब एक नंबर पता हो और दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है और नीचे टोटल लिखी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना पड़ेगा। एक और बता देती हूँ ये मैं, अब अपन एच वाला करते हैं, ठीक है। एच वाले में क्या है, ये नंबर फाइंड आउट करना है, ये नंबर है तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारा, 4। अब चेक करो, 4 + 2 6 होता है, 6 है, सही है। अब है हमारा 8 और 9। अब देखो 9 बड़ा नंबर कौन सा है, 9, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब चेक करो, 8 + 1 9 होता है, 9 बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा क्या, ये 7 है और ये हमारा 6 है, बड़ा नंबर कौन सा है, 7, 7 में से 6 को माइनस करो क्या आता है, 1, यानी कि 1 लिख दिया हमने। अब 6 + 1 7 होता है, बिल्कुल होता है, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट कर रहे हैं। यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 1 माइनस करते हैं तो 7 आता है। अब चेक करो, 1 + 7 8 होता है, 8 है क्या, है, बिल्कुल करेक्ट, इट मीन्स ये हमारे सही है। अब आप क्या करोगे, कॉपी में आपको कौन कौन से, ये सब आपको बुक में करने हैं, इसमें से कॉपी में कौन से करने हैं, देखो मैं बोलती जा रही हूँ साथ के साथ, ये एक तो आपको कॉपी में करने हैं सारे, ठीक है। इसमें से आपको कॉपी में जो करना है वो करना है बी डी एच और आई, ये आपको कॉपी में पढ़ने हैं। साथ बोल रही हूँ मैं वीडियो में, कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा कि मैम होमवर्क क्या है, मैंने होमवर्क बता दिया कॉपी में, जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ वही चीज़ आपको कॉपी में करनी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे, डैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम। इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको करीब करीब सारे करवा दूंगी, इसलिए मेरे साथ के साथ आपको चलना है। अ शॉपकीपर सोल्ड 1345 मैथमेटिक्स बुक्स इन अ वन मंथ एंड 1522 बुक्स इन द नेक्स्ट मंथ, हाउ मेनी बुक्स डिड ही सेल इन दिस टू मंथ्स। वेरी सिंपल, हम स्टार्ट कर रहे हैं 4.3, आपको ऐसे ही 4.3 लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। अब इसकी वर्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम में कैसे करेंगे, ये देखिए मैं लिख रही हूँ, आपको लिखना है अ शॉपकीपर सोल्ड बुक्स इन वन मंथ, फर्स्ट मंथ में कितने करिए, 1, 3, 4, 5, ठीक है। फिर वापस नीचे आ जाएगा, अ शॉपकीपर सोल्ड बुक्स इन नेक्स्ट मंथ कितना, नेक्स्ट मंथ में 1522, इसको हम क्या करेंगे, प्लस, क्या करेंगे इसको हम प्लस, है ना, जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 + 2 7, 4 + 2 6, 5 + 3 8, 1 + 1 2, ये जो हमारा आंसर है क्या है, तो ही सेल टोटल बुक्स
टोटल बुक्स उतने कितने सेल करी है, फिर नीचे ये आ गया, उसने इतनी बुक सेल करी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे आंसर करके, ही सेल 2867 बुक्स, दिस इज द आंसर। इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर टू पे आ गए आपकी बुक में, देखिए क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ टॉय कार इज ₹3,750 एंड द कॉस्ट ऑफ अ बैटरी ऑपरेटेड टॉय कार इज 4,215। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टॉयज कार। ये भी एडिशन है ना। लिखो कॉस्ट ऑफ टॉय कार कितना है, 3750। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, ठीक है। फिर नीचे क्या है, कॉस्ट ऑफ बैटरी टॉय, बैटरी टॉय की कॉस्ट क्या है, 4215। अब इनको करेंगे हम ऐड, 0 + 5 = 5, 5 + 1 = 6, 7 + 2 = 9, 4 + 3 = 4 = 7। यानी कि टोटल क्या आया है, कॉस्ट ऑफ बोथ टॉय, दोनों कॉस्ट, दोनों टॉय है उनकी कॉस्ट क्या है ये। अब आंसर लिखेंगे हम, जैसे मैं लिखने का तरीका बता रही हूँ वैसे लिखना है, कॉस्ट ऑफ बोथ टॉय इज ₹7,965, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन अ गोडाउन देयर आर 1500 राइस बैग, 3112 वीट बैग्स एंड 1285 बैग्स ऑफ फ्लोर। हाउ मेनी बैग्स आर देयर इन अ गोडाउन। एक गोडाउन है, उसके अंदर राइस बैग है, चावल के कट्टे है ना, फिर गेहूं के कट्टे हैं और आटे के भी कट्टे हैं। तो अभी पूछ रहा है कि टोटल कितने बैग्स हैं, कितने बैग्स हैं। ओके, तो लिखो राइस बैग्स कितने हैं, 1500। वीट बैग्स कितने हैं, 3112। और फ्लोर बैग्स, फ्लोर क्या होता है, आटा, कितने हैं, 1285। अभी कह रहा है टोटल बैग्स, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टोटल बैग्स करो, 5 + 2 = 7, 8 + 1 = 9, 5, यहाँ तो जीरो था ना इसलिए हमने दो को ही ऐड किया। अब ये यहाँ पर देखो, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, ठीक है, 1 + 3 = 4, 4 + 1 = 5, 5, 8, 9, 7। तो जो आंसर आया वो लिखो, टोटल बैग्स इन गोडाउन, कहाँ पर थे, गोडाउन, इज इक्वल टू 5, 8, 9, 7 आंसर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। इन एन ऑर्चर्ड देर आर 1575 एप्पल्स, 3750 मैंगोज ट्री, हाउ मैनी ट्रीज आर देर इन ऑर्चर्ड। एप्पल ट्री, एक ऑर्चर्ड है उसमें एप्पल्स के ट्री हैं और मैंगो के ट्री हैं, तो टोटल कितने ट्री है। वेरी सिंपल, ये आप खुद करेंगे, सिर्फ मैं इसकी वर्ड्स लिखवा देती हूँ। एप्पल ट्रीज इज इक्वल टू 1575, मैंगो ट्रीज इज इक्वल टू 3750। प्लस करना है, जो आया आंसर वो है टोटल ट्रीज, टोटल ट्रीज आंसर आपको फाइंड आउट करना है। और नीचे आंसर में क्या लिखोगे, टोटल ट्रीज इन
ऑर्चर्ड इज, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखोगे। समझ में आ गया? ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको सेल्फ करना है HW। ये सारी वर्ड प्रॉब्लम कॉपी में करने हैं, लेकिन मैंने आपको ये वर्ड्स लिखा दिए, आपको इसको सॉल्व खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रमेश हैड रुपीज 2,759, हिज फादर गेव रुपीज 950 टू हिम, हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। अब रमेश के पास कितने पैसे, रमेश के पास कुछ पैसे पहले ही थे, उसके पापा ने कुछ और दे दिए, तो अब उसके पास कितने रुपए हैं। मान लो कि आपके पास, आपको राखी का गिफ्ट आया, आपके भाई ने आपको 200 रुपीज़ दिए, ठीक है, आपकी बुआ ही, उन्होंने आपको 100 रुपीज़ और दे दिए, तो अब आपके पास कितने रुपीज़ होंगे, आप क्या करोगे, ऐड करोगे ना, सेम चीज़। ये देखो, रमेश हैड इज इक्वल टू 2,759, ठीक है, हिज फादर गेव, उसके पापा ने पैसे दिए, कितने दिए। अब देखो ये क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, लेकिन जो उसके पापा ने दिए वो है 950, तो ये 950 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट है, तो केवल वंस, टेंस और हंड्रेड, हंड्रेड वाले में ही आएगा ये, है ना। तो टोटल मनी, अब जो आंसर है वो है टोटल मनी। अब उसके पास कितने रुपए हैं, तो क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे, करो, 9 + 0 9, 5 + 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 + 9 16, 16 + 1 17, 17 का 7 और 1 कैरी, 2 + 1 3, यानी अब उसके पास कितने रुपए हो गए। अब आंसर लिखो, नाउ रमेश हैड 3,709, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी सोल्ड 4,595 बाइक्स इन जनवरी एंड 4,957 बाइक इन फरवरी, हाउ मेनी बाइक्स डिड द कंपनी सेल इन दिस 2 मंथ। लिखो, अ कंपनी सोल्ड बाइक्स इन, कौन से मंथ में, शॉर्ट में लिखेंगे जनवरी मंथ, JAN. जनवरी, कितना किया, 4,595, ओके। अब नीचे वापस लिखा, अ कंपनी सोल्ड बाइक्स इन, कौन से मंथ में, फेब्रुअरी का FEB. कितना है, 4,957, क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। एक कंपनी है, उसने क्या किया है, इतनी बाइक्स जनवरी में बेची और इतनी बाइक्स फरवरी में बेची, तो दोनों के महीने में मिलाकर उसने कितनी बाइक्स करी, बेची है। जहाँ भी टोटल वर्ड आ जाता है, हाउ मैनी, है ना, लेफ्ट वर्ड आता है तो माइनस होता है, जहाँ भी टोटल वर्ड आता है वहाँ पर क्या करेंगे, या ऑल वर्ड आ गया वहाँ पर हमेशा प्लस होगा। अब ये प्लस आप खुद करोगे, दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क फॉर यू, है ना, ये आप खुद करोगे, प्लस करना है, सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। जो आंसर आ रहा है वो क्या है, टोटल बाइक्स सोल्ड। अब नीचे आंसर में लिखोगे, यहाँ जो आंसर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर लिखोगे टोटल बाइक्स वर सोल्ड इज इक्वल टू आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ये वाली, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका हो गया है, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 करवाते हैं।